एक तरफ तो मध्य प्रदेश पुलिस महिलाओं के सम्मान में जागरूकता को लेकर कई बड़े आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सागर जिले में उन्हीं के विभाग में पदस्थ एक आरक्षक ने कोतवाली थाना में पदस्थ महिला पुलिस आरक्षक के साथ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म कर सनसनी फैला दी है। इस घटना को उसी के साथ ही आरक्षक अमित चौरसिया ने अंजाम दिया है। महिला थाना पुलिस ने मामले की जांच करते ही आरोपी पुलिस अधीक्षक अमित चौरसिया पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अमित चौरसिया पिछले 8-10 दिनों से लगातार महिला आरक्षक पर मित्रता करने का दबाव बना रहा था, लेकिन पीड़ित उसकी बात नहीं मान रही थी, तो अमित महिला आरक्षक के घर पहुंचा, जहां उसके साथ मारपीट करके उसके साथ दुष्कर्म किया। एडिशनल SP विक्रम कुशवाहा ने बताया कि महिला आरक्षक ने छेड़छाड़ करने का आवेदन दिया था, जिस पर 354 का मामला दर्ज हुआ था। अब पीड़ित ने बयान न्यायालय में दे दिए हैं और उसने बताया है कि उसके साथ दुष्कर्म होना स्वीकार किया है। पुलिस ने धारा 354, 376 और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। वाली में एक महिला आरक्षक ने शिकायत की। आरक्षक क्या है मामला सर? पूरा पुलिस विभाग में पदस्थ एक महिला आरक्षक ने अपने साथ कार्यरत आरक्षक अमित चौरसिया के द्वारा लगभग 10 दिन से जो है मित्रता करने को लेकर दबाव डालने और उसके निवास पर जाकर उससे छेड़छाड़ करने संबंध में एक आवेदन पत्र महिला थाने में दिया था। उक्त आवेदन पत्र की जाँच की गई। जाँच करने के उपरांत धारा 354 का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया। महिला आरक्षक के बयान माननीय न्यायालय में कराए गए, जिसमें उसने अपने साथ रेप किया जाना, उक्त आरक्षक के द्वारा रेप किया जाना बताया, जिसमें भी 376 का प्रकरण कायम किया गया। उक्त आरक्षक को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। सर, ये मामला कहाँ दर्ज किया गया, किन किन धाराओं में? ये मामला महिला थाने में दर्ज किया गया। इसमें धारा 354, 376 और जान के मामले की धमकी इत्यादि की धाराएँ जो हैं। क्या कहानी लड़की ने क्या कहानी बताई सर? अभी उससे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद पूरी जो घटनाक्रम सामने आएगा। प्रथम दृष्टया जो मामला ये है कि उक्त आरक्षक ने इस महिला आरक्षक के निवास पर जाकर उसके साथ छेड़छाड़ और रेप की घटना पर जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।